आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर पोस्टिंग, एक ऐसा चैप्टर जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी और बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। बट अगर देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ ऑल ऑफ द चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है लिटरली। बस आज की वीडियो तुम लोग ध्यान से देखना। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड इन योर लाइफ, इन योर स्टडीज, और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेजर पोस्टिंग और 50% पार्ट आज कराऊंगा, 50% कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर बहुत अच्छे से आपने वीडियोस देखी हैं और समझी हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। देखो, लेजर चैप्टर का नाम है, ठीक है। हमारे पास, हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज करना सीख लिया। हमने क्या बोला कि अगर कोई भी बिजनेस होता है तो उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग उसको जर्नलाइज करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूँ और मैं आपको बोलूँ कि आप लोग हो, सपोज आपका नाम है मिस्टर बीन, आपका नाम है मिस्टर बीन, डोंट जस्ट टेक इट टू सीरियसली, मैं जस्ट वैसे ही एक फनी नेम्स ले रहा हूँ। और हमारी फर्म का नाम है सपोज कार्टून्स, हमारी फर्म का नाम है कार्टून्स और आपका नाम है मिस्टर बीन। अब क्या हुआ है, मैंने आपके साथ इन अ मंथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करी कि कई बार आपको मैंने सामान बेचा, फिर आपसे पैसा आया, कई बार हाफ आया, कई बार 75% आ गया, कई बार आपको मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करी हमारी मंथ में। इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर एग्जाम्पल 28 ट्रांजेक्शन्स हुई। अब 28 एंट्रीज भी हुई होंगी, 28 ट्रांजेक्शन्स मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 28 एंट्रीज हुई होगी। अब लास्ट में क्या होता है, अगर मुझे ये देखना हो कि मुझे मिस्टर बीन से कितना पैसा लेना है या कितना उनको मैंने एक्चुअल में सेल करा, क्या मैं जर्नल एंट्रीज से एक ही बारी में देख के बता सकता हूँ? क्योंकि इन 28 डेज के मार्च में, पूरे मार्च में और भी ट्रांजेक्शन्स होंगी। हो सकता है कि मैंने मिस्टर बीन के साथ साथ मिसेस बीन से भी कुछ डीलिंग करी हो, मिस्टर टॉम से भी करी हो, मिस्टर जेरी से भी करी हो, मिस्टर डोरेमोन से भी करी हो, सभी से मैंने बहुत सारी डीलिंग करी हुई है, मिस्टर मिकी माउस से भी करी है, सबसे मैंने डीलिंग करी है, तो उनकी भी जर्नल एंट्रीज होंगी। तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा मुझे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हिसाब किताब देखना। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सेटल आउट करने के लिए एक नई बुक आई जिसको क्या बोला गया लेजर। अब लेजर क्या होता है, लेजर ये होता है कि जितनी भी चीजें आप जर्नल एंट्रीज में जिन जिन के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सबके अकाउंट बना दो। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइकवाइज सपोज हम लोगों ने एक एंट्री करी हुई है कि सबसे पहले बिजनेस शुरू करने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपको ये आता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, क्या क्या इन्वॉल्व्ड है, एक कैश इन्वॉल्व्ड है और एक कैपिटल अकाउंट, तो हम दोनों के अकाउंट बना देंगे, कैश का भी और कैपिटल का भी। फिर सपोज आपने कुछ गुड्स खरीदे तो आप क्या बोलोगे, एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप देखोगे कि यहाँ क्या क्या इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एक परचेजेस और कैश, आप देख रहे हो कैश तो ऑलरेडी यहाँ बना दिया था, तो नया अकाउंट बनेगा परचेज का। उसके बाद आपने सपोज राहुल से गुड्स खरीदे तो आप करोगे परचेजेस टू राहुल, फिर आप बोलोगे कि परचेजेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, किसका अकाउंट बनाएंगे, राहुल का। इसी तरीके से सपोज हमने सेल करा तो एंट्री हुई कैश डेबिट टू सेल, अल्टीमेटली कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, किसका अकाउंट बनाओगे, सेल का। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो। जर्नल एंट्रीज में तीन अकाउंट्स बताए थे ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो तीनों में से कोई भी हो हम सबके अकाउंट्स बनाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर बीन का अकाउंट बना दिया, तो देखो आप लोग समझो क्या क्या होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टर बीन का अकाउंट बना दिया तो मिस्टर बीन का अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको टी शेप अकाउंट बनाना सिखाया था, ये हमारा टी शेप बन गया, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम आ जाता है और यहाँ पे ये डेट का कॉलम आ जाता है, फिर यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम आ जाता है, फिर यहाँ पे ये डेट का कॉलम आ जाता है, ये कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का होता है,
एक एक्स्ट्रा कॉलम और बनता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं जे एफ। एक एक्स्ट्रा कॉलम इधर भी बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जे एफ। वॉट इज दिस जे एफ? जे एफ इज जर्नल फोलियो। जे एफ इज जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब कि अगर मैंने कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करा, शायद इधर या इधर, डेबिट या क्रेडिट में, कहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है अभी बताऊंगा। अगर मैंने कुछ रिकॉर्ड करा तो जर्नल जो मैंने करी होगी उसके किसी पेज नंबर पे तो करी होगी। सपोज मेरी जो जर्नल की बुक है वो ये है, लेट सपोज मेरी ये जर्नल की बुक है। अब इसका ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है। सपोज मिस्टर बीन की एंट्री यहाँ पे थी तो मैं यहाँ पे जेएफ में लिख दूंगा कि ये पेज नंबर 4 से आई है, ठीक है। अब सपोज मिस्टर बीन की उसके बाद पेज नंबर 7 पे थी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मिस्टर बीन की 7 से आई, तो ईजी होगा ना मुझे ढूंढना, इसीलिए ये जेएफ का कॉलम होता है, समझे। अब ये तो चलो एक बेसिक वैसी बातें हो गई, अब हम लोग देखते हैं कि लेजर पोस्टिंग के क्या क्या रूल्स हैं और कैसे कैसे होता है। देखो आप लोग ध्यान से समझ लो सारी चीज़ों को। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि लेजर पोस्टिंग किसके हेल्प से होती है, जर्नल की हेल्प से होती है, कैश बुक की हेल्प से होती है, सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से होती है, तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो इस चैप्टर में। लेजर में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, पोस्टिंग और बैलेंसिंग। लेजर को आप पोस्ट करते हो और फिर बैलेंस करते हो। आज मैं बैलेंसिंग की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपको सिर्फ पोस्टिंग सिखाने वाला हूं। मतलब धीरे धीरे चलेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है। 11th में रश मत करना, नहीं तो बोर्ड्स में बिल्कुल नंबर नहीं आने वाले। अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। लेजर में दो चीज़ें होंगी, एक पोस्टिंग और एक बैलेंसिंग। अब आज हम लोग पोस्टिंग सीखने वाले हैं कि लेजर में पोस्ट कैसे करा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैं 3 एग्जाम्पल्स लेता हूँ, 3 ट्रांजेक्शन लेता हूँ, 1, 2, 3। सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नंबर 2, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश को 1 लाख लिख लेना, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 10,000। नंबर 3, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8,000। अब पोस्टिंग को भी दो पार्ट्स कर लेना, सिंपल पोस्टिंग या ऐसे लिखना सिंपल एंट्री पोस्टिंग और कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। सिंपल एंट्री पोस्टिंग एंड कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। अब अगर मैं और आगे चलूं तो आपको फिलहाल ये लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, कभी भी मैंने आपको बताया लेजर अकाउंट में, लेजर बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि जर्नल आना चाहिए। तो जर्नल करो सबसे पहले, तो इसकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपने ये एंट्री कर दी, 1 लाख 1 लाख। नरेशन लिख देना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना हो गया 8,000 8,000। इस तरीके से ये हमने एंट्रीज कर दी। अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जर्नल देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा, ये एंट्रीज हो गई हमारे पास। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनको पोस्ट करना सीखना है लेजर में। कैसे पोस्ट होगा, देखो आप लोगों को मैंने अभी फॉर्मेट लेजर का दिखाया, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि इसके अंदर कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं इन तीनों एंट्रीज में। एक कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये तो पहली एंट्री में हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो परचेजेस और कैश, कैश ऑलरेडी बन चुका था तो यहाँ पे मेरे पास एक कैश, एक कैपिटल, एक परचेजेस, 3 अकाउंट हो गए। यहाँ पे कैश और सेल, कैश ऑलरेडी बना हुआ है तो सेल ये नया अकाउंट है, तो आपको 4 अकाउंट नए बनाने होंगे। कौन कौन से, कैश, कैपिटल, परचेजेस और सेल्स। कैसे बनेंगे, फॉर्मेट को ध्यान रखना, बिल्कुल जैसे आप फॉर्मेट बनाते आए हो। मैंने जो अभी फॉर्मेट बनाया था मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ। देखो ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ये जेएफ का कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट। या एक काम करते हैं, इसको बड़ा ही बनाते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया ना, पोस्टिंग, सिंपल और कंपाउंड, ये नोट डाउन कर लो। और फिर हम अब अकाउंट बनाते हैं प्रॉपरली, ताकि आपको क्लियरली दिखाई भी दे और समझ भी आए। बैलेंसिंग मैं आपको अभी सिखाऊंगा अगली वीडियो में, अभी आज नहीं। यहाँ से हमने ये पहला अकाउंट बनाया कैश का,
दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे ये कैपिटल, तीसरा अकाउंट बनाएंगे हम लोग परचेजेस, और चौथा अकाउंट हम लोग बनाएंगे सेल्स। इस तरीके से ये हमारे पास डेट का कॉलम है। पर्टिकुलर्स के साथ साथ ये छोटा सा जर्नल फोलियो एज यूजुअल जनरली खाली रहता है, तो आपको उसको बस नॉर्मली बनाना है। बस अमाउंट का कॉलम आ गया, ये हमारा जर्नल फोलियो, और ये डेट और पर्टिकुलर्स दोबारा से इस तरीके से। इस तरीके से मैंने सबसे पहले क्या देखा कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश, कैपिटल, परचेजेस और सेल्स, सबके अकाउंट बना दिए। ये हो गया हमारे पास कैश अकाउंट, ये हो गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट, ये हो गया परचेजेस अकाउंट, और ये हो गया सेल्स अकाउंट। दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ये आप लोग फॉर्मेट की नेमिंग आप खुद कर सकते हो, वो आपको करनी है। डेट, पर्टिकुलर, इधर भी और इधर भी, ये नेम्स आप लोग प्लीज लिख लेंगे। अच्छा, अब आपको मेन पोस्टिंग करना सीखना है। सब लोग बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सारे काम छोड़ दो, ध्यान दो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कैश बुक में बताया था, फिर बता रहा हूँ, कोई भी आप अकाउंट बनाते हो तो डेबिट में आप कुछ भी लिखोगे तो टू लिखोगे, क्रेडिट में कुछ भी लिखोगे तो बाय लिखोगे, ठीक है? क्योंकि डेबिट साइड इज इधर और क्रेडिट साइड इज दिस, ये डेबिट क्रेडिट। अब इन केस आप पहली एंट्री पोस्ट करने वाले हो तो कैसे करोगे? कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख, देखो कैश डेबिट हो रहा है ना 1 लाख, तो कैश के डेबिट में 1 लाख, ये कैश है, कैश के डेबिट में यहां लिखूंगा मैं 1 लाख, ये मैंने लिख दिया कैश के डेबिट में 1 लाख लिख दिया, और कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख, ये डेबिट हो रहा है, ये कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल के क्रेडिट में इधर लिखूंगा 1 लाख, ये हमने लिख दिया, अमाउंट लिख दी। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कैश में अगर मैं यहां पे टू कैश ही लिख दूं तो मुझे क्या पता ये कैश कहां से आया, कितना आया। यहां पे आपको ये दिखाना होता है कि ये कैश कहां से आया, तो कहां से आया, कैश के सामने कौन है, अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, कैपिटल, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, टू कैपिटल अकाउंट। डेट कोई थी नहीं तो मैं खाली छोड़ रहा हूं, या मैं डाल देता हूं डेट, इसकी ये अप्रैल ले लेते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दिस इज अप्रैल 1, मैंने लिखा टू कैपिटल, ये जो कैश आया ये कैपिटल से आया, और यहाँ कैपिटल में किसका नाम, कैपिटल के सामने कौन है, बाय, क्रेडिट में हम बाय लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट, और ये भी क्या हो गया अप्रैल 1। ऐसे पोस्ट होती है, जो अमाउंट जिधर है उधर ही लिखना है, नाम कौन सा लिखना है, अपोजिट साइड वाला। अच्छा एक और देखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेजेस के डेबिट में 10,000, परचेजेस के डेबिट में 10,000 लिख दिया मैंने, और कैश के क्रेडिट में 10,000, कैश के क्रेडिट में 10,000 लिख दिया, कैश के क्रेडिट में 10,000 लिख दिया। अब ये जो परचेजेस में 10,000 लिखा, नेम कौन सा, सामने वाला, परचेजेस के सामने कौन है, कैश, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट अप्रैल 2nd, और यहां पे लिखूंगा अप्रैल 2nd में, ये कैश में, कैश के सामने कौन था, परचेजेस, तो बाय परचेजेस अकाउंट। नाम सामने वाला क्यों लिखना होता है, क्या रिलेवेंस है, यहां पे कैश आया तो कहां से आया, कैपिटल के नाम से, यहां पे गया तो कहां गया, परचेजेस, हमने गुड्स खरीदे तो गया, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, नाम तो लिखना पड़ेगा, समझे ना। अच्छा, दो एंट्रीज पोस्ट हो गई, थर्ड कैश डेबिट टू सेल, तो कैश के डेबिट में 8,000, कैश के डेबिट में 8,000, सेल्स के क्रेडिट में। अब नेम क्या लिखना है, देखो सेल्स के सामने क्या है, कैश, तो बाय कैश अकाउंट, और कैश के डेबिट में टू सेल्स, कैश के डेबिट में क्या लिखा है हमने, टू सेल्स, ये हो गया हमारा अप्रैल 3rd, दिस इज अप्रैल 3rd। इस तरीके से जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपको पोस्ट करती जानी है। अब ये कौन सी एंट्री थी, ये थी सिंपल एंट्री,
सिंपल जर्नल। अब मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड की कैसे पोस्टिंग होती है। कंपाउंड के लिए आप लोग कुछ एंट्रीज नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ, ये मैं हटा रहा हूँ, ये नोट कर लिया, नहीं करा तो करो स्क्रीनशॉट लो पूरे का जल्दी से, अभी हो गया। अच्छा अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं कुछ एंट्रीज और लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। सपोज मैंने लिखा, एंट्री लिख दी दो और, नंबर फोर अप्रैल फोर में सोल्ड गुड्स टू एक्स 8,000, नंबर फाइव रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स 7,900 एंड डिस्काउंट अलाउड 100। हमने X से रिसीव करा 7,900 और डिस्काउंट अलाउ करा उसको 100। अब आपको सबसे पहले इसकी भी एंट्रीज पास करनी है, जनरल एंट्रीज करो। सोल्ड गुड्स टू X, एंट्री बनेगी X अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको कभी भी नेम के साथ अकाउंट लगाना हो तो अपोस्ट्रोफी S लगाना जरूरी होता है, पता है ना, अदरवाइज आप X डेबिट छोड़ सकते हो। X अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया 8,000 और यहाँ पे कैश मिल रहा है X से, तो कैश अकाउंट डेबिट जो आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये हमें एक्स से पैसा मिला है, 7,900 मिला है, 100 का डिस्काउंट है, 8,000 हो गया। अब हमें फिर से देखना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। दिस इज ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे एक्स और सेल्स, मेरे पास सेल का अकाउंट तो है, मुझे अकाउंट बनाना है एक्स का, तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाऊंगा, अमाउंट जे एफ पर्टिकुलर्स डेट, अमाउंट जे एफ पर्टिकुलर्स डेट, ये हमने एक्स का अकाउंट बना दिया, दिस इज एक्स अकाउंट, तो एक्स का अकाउंट भी हो गया, सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। अब इधर है कैश, कैश का बना हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का बनाना पड़ेगा, एक्स का ये रहा, तो एक अकाउंट बनाऊंगा डिस्काउंट अलाउड का, लो जी ये हमने बना दिया डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, ठीक हो गया। अब आपको इसकी फिर से पोस्टिंग करनी है, तो ये वाली तो सिंपल एंट्री है, एक्स डेबिट टू सेल्स, तो क्या करोगे अपनी कॉपीज में, मेरे से पहले कर लो, आई एम गिविंग यू 10 seconds, जल्दी से कर लो, 10, इसको पोस्ट करो अपनी अपनी कॉपीज में, फिर वेरीफाई करना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हो गया, कर लिया सबने पोस्ट, जल्दी जल्दी कर ही लिया होगा, नहीं करा होगा तो यार कोई बात नहीं, सीख लो, अभी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के डेबिट में 8,000, देखो एक्स के डेबिट में 8,000, तो एक्स के डेबिट में मैं लिखूंगा अप्रैल 4 में डेबिट में 8,000, यहाँ पे लिख लेना डेट पर्टिकुलर जी एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट, हो गया। एक्स के डेबिट में 8,000, सेल्स के क्रेडिट में 8,000, सेल्स के क्रेडिट में, सेल्स के क्रेडिट में यहाँ पे 8,000, ठीक हो गया, हमने कर दिया अप्रैल 4। अब नेम लिख दे, नेमिंग कर ले, तो यहाँ पे X में नाम सामने वाला क्या लिखूं, टू सेल्स, और यहाँ पे सेल्स में क्या लिखूं, बाय X, हो गया हमारा ये काम। अब क्या है, अब है ये वाली एंट्री, ये आती है आपके पास कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, हमारे पास कैश के डेबिट में 7,900, ठीक है, कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में 7,900 लिख दिया मैंने अप्रैल 5, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में 100, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में 100 लिख दिया अप्रैल 5, एक्स के क्रेडिट में 8,000। अब ध्यान देना, अगर मैं एक्स के क्रेडिट में 8,000 लिख देता हूँ सपोज, तो फिर इसके सामने तो दो लोग हैं या दो अकाउंट्स हैं, मैं नेम किसका लिखूंगा, तो मैं यहाँ कन्फ्यूज हो जाता हूँ, एक्स के सामने तो दो लोग हैं, कैश भी और डिस्काउंट भी, तो किस नाम से लिखूं, कैश से या डिस्काउंट से, तो आपको क्या करना है, आप इन दोनों के नाम से पोस्टिंग कर दो, दोनों के नाम से, अगर यहाँ अमाउंट मत लिखना अभी, अगर दो लोग हैं तो दोनों के नाम से पोस्टिंग कर दो। मैं क्या लिखूंगा, एक्स के क्रेडिट में अप्रैल 5 में ही बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अप्रैल 5 में ही। अब देखो कैश में कितना था, 7,900, डिस्काउंट में था 100, देखो अपने आप ये 8,000 पूरा हो गया या नहीं हो गया,
ये तो मैं आपको सिर्फ ये मत करा ना वहाँ टोटल कहीं कराओ, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अपने आप 8000 पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 7900 कैश के नाम से लिख दिया और 100 डिस्काउंट के नाम से लिख दिया। ये लिखते ही मेरे पास यहाँ पे देखो 79 और 1 8000 बिल्कुल पूरा हो जाता है, समझे ना बात को। तो जब भी सामने दो नाम हो तो दोनों को पोस्ट करना है, क्लियर हुआ। अब मैं नेम लिख देता हूँ, एक्स के डेबिट में 8000 हमने लिखा था, एक्स के डेबिट में कहाँ गया, एक्स के डेबिट में टू सेल्स हो गया था, सेल्स के क्रेडिट में बाय एक्स हो गया था। अब कैश के डेबिट में, अब ध्यान रखो कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि कैश के सामने डिस्काउंट अलाउड है, नो, डेबिट के सामने क्रेडिट होता है, कैश के सामने एक्स है, कैश के सामने है एक्स, तो यहाँ क्या लिखूंगा, टू एक्स अकाउंट। सिमिलरली डिस्काउंट के सामने भी एक्स है, टू एक्स अकाउंट, सही है। और एक्स में हमने दो पोस्टिंग्स कर दी, समझ में आई बात। एक और आपको कंपाउंड एंट्री कराता हूं, ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, नोट डाउन करना है, करो लास्ट एंट्री कंपाउंड सिक्स्थ। एक एंट्री और कराता हूं, सपोज हम लोग डायरेक्ट एंट्री लिखते हैं नंबर सिक्स में, पेड टू एक्स 5900, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। हमने एक्स को पेमेंट करा 5900 का और डिस्काउंट कितना मिला 100, तो क्या एंट्री करोगे। मैं एंट्री करूंगा एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक्स को पेमेंट कितना करा है, एक्स को पेमेंट करा है कैश में पे करा है 5900 और डिस्काउंट रिसीव करा है 100, टोटल अमाउंट हो गया 6000। टोटल अमाउंट कितना आता है हमारे पास 6000। अब समझना, एक्स के डेबिट में मेरे पास 6000, लेकिन फिर से समस्या क्या आएगी कि एक्स के सामने दो नाम है, तो मैं किस नाम से लिखूं, किस नाम से लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं इसको अभी होल्ड पे रखता हूं, कैश के क्रेडिट में 5900, डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में 100, सामने एक ही है, तो कैश के क्रेडिट में 5900 और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड का हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना डिस्काउंट अलाउड अलग होता है, रिसीव्ड अलग होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का एक अकाउंट बना देते हैं छोटा सा, ये बना दिया हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर से ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में 100, यहाँ पे 100 अप्रैल 6, तो हमने कैश के क्रेडिट में लिख दिया अप्रैल 6 में और डिस्काउंट रिसीव्ड में, इस कैश के सामने भी एक्स है, इसके सामने भी एक्स है, तो बाय एक्स अकाउंट और यहाँ पे भी बाय एक्स अकाउंट। एक्स में क्या करें, अब एक्स के सामने दो हैं, तो मैंने क्या बोला दोनों की पोस्टिंग कर दो। एक्स के सामने दो लोग हैं कौन कौन, एक तो टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्स में आएगा 5900 और इसमें आएगा 100, देखो अपने आप 6000 पूरा हो जाएगा अप्रैल 6। इस तरीके से हम लोगों को पोस्टिंग्स करनी होती हैं लेजर में, सिंपल एंट्रीज की भी और कंपाउंड एंट्रीज की भी। देखो लेजर बहुत टाइम टेकिंग एज वेल एज बहुत प्रैक्टिस करने वाला चैप्टर है, इसको ऐसे मत छोड़ना। आज मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए लेजर के, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इसकी पूरी सीरीज चलेगी 5-6 वीडियोज़ की, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ करके चलना, इट इज़ माई प्रॉमिस कि आप लोगों का लेजर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आज जो मैंने कराया है इसकी प्रैक्टिस करो, अभी बैलेंसिंग मैंने नहीं सिखाई, सिर्फ पोस्टिंग सिखाई है, इन सब के बैलेंस निकलते हैं, जैसे कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं ना, जैसे हम टी शेप अकाउंट का बैलेंस निकालते थे, वैसे यहाँ भी बैलेंस निकलेगा, लेकिन अभी नहीं करना। फिलहाल जो मैंने आज आपको काम कराया है सिर्फ पोस्ट करना सीखो, बाकी मैं अभी आपको लाइन टू लाइन वीडियोज में कराऊंगा, लेजर ट्रायल बैलेंस एक साथ पूरा हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, काफी सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंट काम कराया, एक लेजर का आपको फेयर आइडिया मिल गया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे लेजर के लिए। इसके बाद कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको फर्दर और कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।